कि चुनावी जंग सपा भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। क्या सपा तोड़ेगी भाजपा के तिलिस्म जीत का? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक 55.68% मतदान हो चुका है। बसपा और कांग्रेस के इस उपचुनाव से दूरी बनाने के बाद गोला गोकर्णनाथ में मुख्य मुकाबला बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच होता नजर आ रहा है। भाजपा के सामने यहां सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं सपा भी इस सीट को हर हाल में जीतना चाह रही है। बता दें कि आज गोला गोकर्णनाथ में विधानसभा सीट का चुनाव उपचुनाव हो रहा है। सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। बता दें कि अभी तक आज सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहां पर वोटिंग जारी है। बता दें कि महंत आनंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी थी, जहां आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि अभी तक 55.68% मतदान हो चुका है। सपा और भाजपा के बीच इस विधानसभा पे सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं बता दें कि महंत आनंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी थी, जहां आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लगातार वोटिंग जारी है। बता दें कि 55.68% मतदान हो चुका है और आज शाम 5 बजे तक मतदान होना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, क्या अभी तक 55.68% का वोटिंग हो चुका है और अभी कितनी वोटिंग बाकी है, क्या हाल है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, गोला विधानसभा शुरू सुबह 7 बजे से ही 448 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान शुरू हो गया था, जो अभी तक शांतिपूर्वक ही सभी बूथों पर मतदान रहा है, सुचारू रूप से चलता रहा है। लेकिन जो मतदान का परसेंटेज वो अभी तक करीब 56% ही रहा है, तो ये एक जो मतदान 56% रहा ये एक सोचनीय बात है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पूरी तरीके से मतदान सुचारू रूप से अभी तक चला हुआ है। धीरज, स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, विकास को देखकर या जातिवाद को देखकर? बिल्कुल, गोला विधानसभा में जो वोटरों ने मतदान किया है, विकास और बेरोजगारी और आवारा पशु, और मेन जो मुद्दा गोला विधानसभा क्षेत्र का रहा है वो गन्ने का पेमेंट जरूर लोगों ने एक बार इस का चर्चा का उठाया, तो ये एक मुद्दा जरूर रहा है कि जो किसान है वो परेशान है, जो गोला विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिले अभी तक पेमेंट नहीं उसको लेकर परेशान है, आवारा पशु, ये समस्याएं अहम रही है। धीरज, देखा जाए तो सपा और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। हालांकि चुनाव मतदान का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन वहां पर जीत हासिल कर रहा है, लेकिन क्या किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जी बिल्कुल, जो दोनों प्रत्याशियों को बीच में बराबर टक्कर देखने को मिली है सुबह अभी तक, जो आम जनता से वोटरों से बात होती रही है उसमें अभी तक लाल तो कुछ कहना मुश्किल है। ये 6 तारीख को कोई नहीं होगा कि क्या वोटरों ने क्या फैसला लिया है। स्थानीय महिलाओं से और बुजुर्ग महिलाओं से क्या कुछ बातचीत हो पाई है, क्या कहना है, वो किन मुद्दों पर वोट दे रही है? जी बिल्कुल, जो स्थानीय महिला वोटर हैं उनकी भागीदारी सबसे अच्छी रही है विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर। महिलाओं ने जो अपना मुद्दा रखा था वो उनसे, अगर कुछ महिलाओं से हमारी बात है तो उन्होंने सीधी साफ तौर से बताया कि जो है सरकार ने हमें जो है कैश मुहैया कराया है, अन्य भी मुद्दे, लेकिन कुछ जो उनकी समस्याएं हैं बेरोजगारी, जो नवयुवक छात्राएं हैं उनकी भी समस्याएं बेरोजगारी, तो उन मुद्दों पर भी उन्होंने वोट किया है। देखा जाए तो धीरज, शाम 5 बजे तक वोटिंग खत्म हो जानी थी, तो क्या कुछ अभी वहां पर वोटिंग हो चुकी है? जी बिल्कुल, हम इस समय सिकंदराबाद बूथ पर मौजूद हैं। अभी यहां पर बाकायदा पार्टियां खड़ी हुई है, वोटरों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो बूथ पर पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज।
कोला गोकर्णनाथ विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा है, सपा और बीजेपी के बीच बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोला गोकर्णनाथ विधानसभा पर चुनाव हो रहा था। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।